प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है दोस्तों हमारे देश के नेता एक और तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं सबके लिए सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी राजनीति को दूसरों पर हावी करने के लिए जब जब जरूरत पड़ती है धर्म और जाति के नाम पर प्रांत और भाषा के नाम पर लोगों को बांटने में पीछे नहीं रहते कोई मुस्लिम तुष्टिकरण के द्वारा तो कोई एस सी एस सी के द्वारा कोई दलितों के द्वारा तो कोई किसी और तरीके से किसानों मजदूरों को खुश करने के लिए अपने वोट बैंक कैश करना चाहता है इसी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हमारे देश की न्याय व्यवस्था को इन सब चीज़ों को नुकसान भी होता है हम आपको मिलवा रहे हैं रामदास अठावले से जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं बुद्धिस्ट हैं ट्रेड यूनियनिस्ट हैं सोशल वर्कर हैं थिएटर और फिल्मों में काम भी करते हैं साथ ही एक पत्रिका के संपादक भी हैं लेकिन पहले एक नजर उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर तोड़कर कांग्रेस वालों का बंधन करता हूँ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिनंदन मोदी जी करेंगे 2019 में विरोधियों का ऋण और बांट देंगे 130 करोड़ लोगों को विकास का सुगंधी चंदन अपनी बातों को शायराना अंदाज में लेकिन मुखरता से रखना उनका स्वभाव है आरक्षण के समर्थक हैं और जाति प्रथा के विरोधी उनका मानना है कि समाज का स्तर समान तभी होगा जब दलित उच्च जातियों से विवाह करेंगे यहाँ चर्चा हो रही है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास बंधु अठावले की जो महाराष्ट्र से आते हैं अठावले अपनी अलग सोच के कारण मोदी सरकार का हिस्सा होते हुए भी अपनी जुदा पहचान रखते हैं। वर्तमान में वह नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं और भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो तीन बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं दलित मामलों में अपनी भागीदारी के अलावा अठावले ने आर्थिक रूप से वंचित उच्च जाति समुदायों के लिए भी आरक्षण की भी वकालत की है उनके प्रयासों से मोदी सरकार ने 10 प्रतिशत का आरक्षण सवर्णों को दिया है अठावले सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 50 फीसदी कोटे को बढ़ाने के पक्षधर हैं। साथ ही चाहते हैं कि सेना में भी दलितों को आरक्षण मिले आज हमारे चेयरमैन आपको मिलवा रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास बंधु अठावले से अठावले जी आपका प्लस माइनस में स्वागत है बोलिए बुली, बोलिए बुली, जी आ, अठावले जी आज़ादी के बहत्तर वर्ष बाद भी दलित समाज कमोश वहीं की वहीं उसी स्थिति में है कोई बहुत ज़्यादा उनका उत्थान नहीं हुआ है ऐसा नहीं लगता आपको कि हमारे राजनीतिक लोगों ने इनका केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है मुझे लगता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनकी जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है लेकिन मुझे लगता है कि भाई कुछ भी नहीं हुई ऐसा नहीं है एक जमाना ऐसा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जब स्कूल में जाते थे सातारा में महाराष्ट्र में तो बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे वो स्कूल के बाहर बैठते थे इतनी अनटचेबिलिटी इतनी मतलब जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी आज समाज में काफ़ी बदल हो रहा है आज कोई स्कूल के बाहर बैठने का विषय नहीं है हर दलित लड़का स्कूल में जाता है लेकिन बहत्तर साल होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन देने से जो शिक्षा में अच्छी प्रगति हो रही है बहुत सारे नौजवान आईपीएस, आईएएस हो रहे साइंटिस्ट हो रहे प्रोफेसर हो रहे एडवोकेट हो रहे पत्रकार हो रहे हैं साहित्यकार हो रहे हैं कथाकार हो रहे हैं तो बहुत सारे क्षेत्र में दलित समाज के जो नौजवान लोग हैं वो बहुत अच्छी प्रगति भी कर रहे हैं लेकिन मैं आपके सवाल से सहमत हूँ कि बहत्तर साल के बाद भी आज देश में गरीबी है और उस गरीबी में दलितों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है आदिवासियों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है एक तो अपने देश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को ऐसा करना पड़ेगा कि नीचे के आदमी को ऊपर उठाने वाली इकोनॉमी होनी चाहिए और ऊपर के आदमी को बहुत ज़्यादा ऊपर ना ले जाकर उनको और थोड़ा नीचे लाने की इकोनॉमी होनी चाहिए इसके लिए आप मानते हैं एक बहुत बड़े दलित समाज के लोगों का आगे जा कर के विकास हुआ है और उन्होंने प्रगति की है समाज के हर फील्ड में दलित समाज के लोग आ गए हैं अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो दलित समाज के लोग आगे आ चुके हैं उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए हाँ तो अभी उनके बच्चों को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए ऐसा तो नहीं है मुझे लगता है कि अभी एक पीढ़ी जो है एक पीढ़ी को उसका फ़ायदा हुआ है तो हर एक आईपीएस आईएएस का लड़का आरक्षण का फायदा लेता है ऐसा भी नहीं है लेकिन अभी उसके बारे में हर एक ने व्यक्तिगत लेवल पर विचार करने की आवश्यकता है लेकिन अभी इतने सालों से हमने अन्याय स्वन किया है तो कुछ साल तो कुछ साल तक तो रिजर्वेशन होना चाहिए आप महाराष्ट्र में पहले मंत्री रहे और उसके बाद में अब आप केंद्र में मंत्री हैं दोनों में आपको कैसे अंतर नजर आते हैं हाँ तो भाई जिस तरह महाराष्ट्र में मैं शरद पवार के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण ट्रांसपोर्ट प्रोबिशन पप्पूगण्डा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये चार पोर्टफोलियो का मैं मिनिस्टर था और महाराष्ट्र में मैंने एक तो सत्ता जब होती है तब सत्ता के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मदद करने का मौका मिलता है बाबा साहब अम्बेडकर जी भी यही बताते थे कि गरीब लोगों को दलित लोगों को न्याय देना है तो इस लोकतंत्र में हमें चुनकर आना चाहिए चुन कर आकर सत्ता के पास पहुंचना चाहिए सत्ता के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहिए तो जिस तरह मैं महाराष्ट्र में भी मंत्री था तो मुझे रोज हजारों लोग मिलते थे अभी दिल्ली में भी मुझे रोज़ चार पाँच सौ लोग मुझे मिलते हैं जब भी मैं मंत्रालय में आता हूँ और जो भी मेरे पास आदमी आता है चाहे वो पहचान का हो या ना पहचान का हो जहाँ उनको पत्र देना है वो पत्र मैं देता हूँ जहाँ फ़ोन करना है वो मैं फ़ोन करता हूँ उन्नीस में बाबा साहब अम्बेडकर जी पहले चुनाव में लड़े ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को कर नाम के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने हराया उसके बाद 54 में भंडारा जो था नागपुर के पास थे वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर जो मध्य पोर्ट मतलब इलेक्शन था लोकसभा का वहाँ से लड़े और वहाँ भी बोरकर नाम के दलित समाज के आदमी ने बाबा साहब को हराया उसके बाद बाबा साहब ने विचार किया कि अगर मैं चुनकर नहीं आता हूँ तो मेरे लोग कैसे चुनकर आएगी मेरे लोग चुनकर आएगी नहीं तो सत्ता कैसी मिलेगी सत्ता नहीं मिलेगी तो लोगों की मदद कैसे होगी तो इसीलिए बाबा साहब ने सोचा कि मैं ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एड करूँगा और रिपब्लिकन नाम की पार्टी स्थापित करूँगा बाबा साहब अम्बेडकर जी का डेथ जल्दी होने से छः दिसंबर उन्नीस को राकेश जी बाबा साहब अम्बेडकर जी चले गए इधर दिल्ली में ही छब्बीस अली रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर जी रहते थे मुझे तो लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक व्यापक पॉलिटिक्स करने की भूमिका हमारे सामने रखी थी लेकिन बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी की संकल्पना रखी थी तो बाद में ये पार्टी स्थापित हुई तीन अक्टूबर उन्नीस तो को बाबा साहब की महानिर्वाण के बाद रेत के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी को सभी जाति की सभी वर्गों की एक व्यापक रिपब्लिकन पार्टी बनाने की ख्वाहिहिश थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है अभी आपकी पार्टी का महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा आधार बना हुआ है आपकी भी एक दलित नेता के रूप में अच्छी इमेज बनी हुई है लेकिन महाराष्ट्र में जब ये लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ तो शिवसेना और बीजेपी ने तेईस शिवसेना ने और पच्चीस सीटें बीजेपी ने रख ली और आपकी पार्टी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया एक भी सीट नहीं दी हाँ मतलब एक तो हमारी पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन हमारी पार्टी जिसका समर्थन करती है उनको सत्ता में आने का मौका मिलता है सुनकर आने का मौका मिलता है इसीलिए बाला साहब ठाकरे को मिलने के लिए मैं गया और राकेश जी बाला साहब ने मुझे बताया कि शिव शक्ति के साथ जब तक भीम शक्ति आती नहीं तब तक हमको सत्ता मिलती नहीं है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ एनसीपी के साथ आप रहते हैं और इसीलिए हम सत्ता तक नहीं पहुंच रहे पहुंच सकते हैं तो मैंने महाराष्ट्र भर मैंने बहुत सारे विचारवंत है साहित्यकार है प्रोफेसर है कार्यकर्ता है नेता है पत्रकार है ये सब के साथ मैंने बात की कि बाला साहब ठाकरे जी के प्रस्ताव पर मैं आ क्या करूं मैं तो मुझे सभी ने ये फीडबैक दिया कि राजनीति में इसी तरह के अलायंस होते हैं अपनी पार्टी अलग रख कर अपना झेंडा नीला रख कर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपने बाला साहब ठाकरे के साथ शिव शक्ति भीमशक्ति के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए और फिर मैंने सबके साथ बात करने के बाद एक साल के बाद मैंने बाला साहब ठाकरे जी के साथ बीजेपी के साथ जाने का निर्णय मैंने लिया तो मैं तीन बार लोकसभा में था चौथी बार मैं हर गया था 2014 के चुनाव में मैं राज्यसभा में आया मैंने सो, सोचा कि भाई मैं हर बार मेरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है एक बार मुंबई एक बार पंडरपुर तीसरी बार शिरडी फिर अभी मैं कहाँ से लड़ू मैं जहाँ से अभी राहुल शिवाली चुनकर आए दक्षिण मध्य मुंबई से वो सीट मैं मांगता था तो मुझे मिलती भी थी लेकिन मैंने सोचा कि अभी हर बार क्षेत्र पर बदलने से नुकसान होता है तो राज्यसभा मिलती है कहते देखते हैं तो फिर राज्यसभा मुझे बीजेपी के कोटे से मिली और शिवसेना के कोटे से सातारा की एक सीट मिली थी तो मैंने मांग किया था कि भाई एक सीट बीजेपी के कोटे से मुझे दे दी जाए और मेरी राज्यसभा जो ये बीजेपी के किसी आदमी को मिलेगी और एक सीट शिवसेना ने दे देनी चाहिए लेकिन जिस तरह उन्होंने पच्चीस और तेईस का अपना फॉर्मूला तैयार किया और फिर हमको बाजू में रखा तो इससे मेरी नाराजगी ज़रूर थी आज भी मेरी नाराजगी है।, है लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में ज़्यादा नाराज रहना अगर मैं ज़्यादा रहूंगा नाराज तो मोदी जी का कैसा आएगा राज अटवाले जी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात रहे थे आपकी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसके कारण से सरकार मुश्किल में पड़ जाती है जैसे आ, आप एन का हिस्सा हैं एन में बीजेपी है बीजेपी की आइडियोलॉजी आर से मैच करती है जो हिंदुज़्म के लिए हिंदू एकता के लिए काम कर है लेकिन आपने कहा कि दलितों को हिंदुज़्म छोड़ करके बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए नहीं नहीं मतलब ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरह मतलब हम बीजेपी के साथ है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने पूरा एजेंडा बीजेपी का स्वीकारा है क्योंकि जिस तरह इंडिया में अलग अलग पार्टियाँ है अलग अलग पार्टियों का एजेंडा अलग अलग है लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर गरीबों का आर्थिक विकास करने के मुद्दे पर देश का विकास करने के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ है हर मुद्दे से हम सहमत नहीं है जब हम कांग्रेस पार्टी के साथ भी थे तब तो हर मुद्दे पर हम उनके साथ सहमत नहीं थे तो हमने ये बोला है भाई जो दलित लोग हैं इनके ऊपर आज भी अत्याचार होते हैं और इसीलिए अगर जो हिंदू रहकर भी अगर उनके ऊपर जाति के नाम पर अत्याचार होता है तो उन्होंने बुद्धिज़्म स्वीकारना चाहिए इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया उनको हिंदुइज्म में रहते हुए अगर उन पर हम अत्याचार रोकने में सफल हो जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है कि उनको बुद्धिस्ट बनाना ज़्यादा बेहतर है नहीं नहीं उनको मतलब अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं जो सही अम्बेडकर है अम्बेडकर जी को तो सारा देश मानता है जी मुसलमान भी मानते हैं क्रिश्चियन भी मानते हैं पूरा हिंदू समाज मानता है बराबर है बरा नहीं सभी बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन दलित समाज को हमने आह्वान किया है कि बाकी के लोगों को बुद्धिस्ट बनो ऐसा हमने नहीं बोला है फिर दूसरा रास्ता आप उनको ये सुझा रहे हैं कि अगर फिर भी आपके ऊपर अत्याचार नहीं रुकता है तो इंटर कास्ट मैरिज शुरू कर दें तो शायद अत्याचार रुक जाएगा मतलब दलित लड़की या लड़का और अपर कास्ट से शादी कर ले नहीं वैसा मेरा मंत्रालय जो है मेरा मंत्रालय इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देता है और जो इंटर कास्ट मैरिज करते हैं उनको ढाई लाख रुपए भी हमने देते हैं दूसरा मुद्दा ये है कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है मेरी बीबीवी ग्रामीण कम्युनिटी की है तो मैंने ये अनुभव लिया है कि भाई जो ब्राह्मण कम्युनिटी की जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा हिंदुत्ववादी तो होने के बावजूद भी वो मेरे घर पर आते हैं मैं उनके घर पर जाता हूँ और ये जो रिलेशन है ये रिलेशन मतलब इंटरकास्ट मैरिज से दो समाज के बहुत सारी फैमिली में एकता पैदा हो जाती है अभी राकेश जी अगर देखा जाए तो हर साल में कम से कम साठ सत्तर हजार इंटरकास्ट मैरिज होते हैं लड़के लड़कियाँ जब एक साथ काम करती है पढ़ाई करते हैं या किधर उनकी पहचान हो जाती है तो वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और जाति का विचार ना करके वो अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं तो इसका मतलब समाज में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा रह थी वो बाबा साहब भी चाहते थे कि भाई इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा मिलना चाहिए और इसीलिए मैं बार बार ये जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ लोगों को मैं समझाता हूँ मैं इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन करता हूँ एक और इसी तरह बड़ा संवेदनशील मुद्दा है राम जन्मभूमि का जो समस्त हिंदू समाज के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है कंट्रोवर्सी चल रही है कोर्ट में भी केस है आपने कहा कि वहाँ तो बुद्धिस्त मंदिर था पहले नहीं मैंने बताया कि भाई मतलब वैसा ओरिजिनल जगह वो बुद्ध मंदिर की है तो अगर नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत करना है तो वहाँ हिंदू मंदिर बनाने की भावना बहुत सारी हिंदुओं के देश भर के है और हिंदू धर्म की भावनाओं का विचार करते हुए वहाँ राम मंदिर भी होना चाहिए और मुसलमान को उनकी जगह देनी चाहिए वहाँ उनको मस्जिद बनानी हो एक आधा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना हो यूनिवर्सिटी बनानी हो या और क्या बनाना हो वो उनके जगह पर बना सकते हैं तो ऐसा करके मुझे लगता है कि इस इश्यू को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला आता नहीं है तब तक कानून हाथ में लेकर राम मंदिर बनाना ठीक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रुकना चाहिए आपका कहना है कि दलित समाज को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने चाहिए यदि ऐसा होने लगेगा तो हर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा और देश में अराजकता का वातावरण बन जाएगा नहीं मुझे लगता है कि आज हर एक आदमी के पास हथियार है बहुत सारे आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो बहुत सारे समाज के लोगों पर ठाकुर समाज के लोगों के पास राजपूत समाज के लोगों के पास हथियार होते हैं तो मैंने इसलिए पहले मांग किया था कि जब मैं मंत्री तो नहीं था जब दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया नाम का मैं संगठन चलाता था जिस तरह कोई तो सरदार जी है तो सरदार जी के पास जो हथियार होता है तो ऑटोमेटिकली उनका डर सामने वाले के मन में होता है नहीं सिखों के पास तो कृपाण एक छोटी सी सिंबॉलिक होती है जो एक धार्मिक उनका प्रतीक चिन्ह है नहीं है, लेकिन तो तो लड़ने के लिए नहीं होती नहीं लड़ने के लिए तो नहीं होती है लेकिन तो भी मतलब मेरा कहना ये है कि जिसके पास हथियार होता है उसके ऊपर कोई हमला नहीं करते है बुद्धिज्म में ये था कि भाई जुड़ो कराट इसलिए थे कि कोई अपने ऊपर हमला करेगा तो उसका सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए वो शिक्षा है उसी तरह मेरी मांग थी कोई हिंसा बढ़ाने के लिए बिल्कुल मेरी मांग नहीं थी शिक्षा और नौकरी में दलितों के लिए आरक्षण पहले से सरकार ने दिया हुआ है आपका कहना है कि डिफेंस में भी आरक्षण कर देना चाहिए डिफेंस इतना सेंसिटिव इशू है पूरे देश की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है वहाँ भी अगर दलित समाज के लिए हम आरक्षण कर देंगे तो आपको नहीं लगता देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा नहीं मुझे लगता है कि सुरक्षा के साथ बिल्कुल खिलवाड़ होगा नहीं आर्मी और डिफेंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो मेरा कहना ये था कि भाई हम आर्मी में जाकर हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे हम चाइना के साथ लड़ेंगे हम भारत देश की सुरक्षा करेंगे तो आज भी हमारे नौजवान लोग आर्मी में ही है लेकिन वो संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है अगर जो कपेबल नहीं है उसको वहाँ रिक्रूट करो ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है उनकी बॉडी अच्छी हो उनका वेट अच्छा हो वो रनिंग में अच्छा हो और सभी जो उनकी एग्जाम है उस सभी एग्ज़ाम में जो पास होगा तो उसको अगर ये सब चीज़ें उसमें योग्यता होगी तो तो अपने आप ही उसमें सिलेक्ट हो जाएगा उसमें नया तो तो उतने लोग सिलेक्ट होते नहीं है ना उसमें अगर योग्यता होगा तो उतने लोग सिलेक्ट होते नहीं है तो अगर हमारा पंद्रह टक्के आरक्षण और आदिवासी का साढ़े बाईस टक्के मतलब साढ़े साठ टक्के आरक्षण ऐसा बाईस तेईस लोग सौ लोगों में हमारे आर्मी में जाएंगे वो आर्थिक प्रगति भी करेंगे देश की तो सुरक्षा भी करेंगे तो इसीलिए मेरी मांग है कि भाई आर्मी में भी अगर हर जगह पर आरक्षण है तो आर्मी भी जो तो सरकार का डिपार्टमेंट है उसमें भी आरक्षण होने से आर्मी को कोई को बिल्कुल धोखा नहीं है और भी आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग होगी इसीलिए मैंने ये मांग किया है आपने एक मांग ये भी की कि 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसमें जो जातिगत आधार पर आंकड़े आए हैं उनको भी सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए इसके कारण से जबकि और ज़्यादा संघर्ष पड़ेगा नहीं नहीं मेरा मांग ऐसा है कि 2011 के सेंसस में शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज सिक्सटीन है और शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज एट है जो नाइनटीन में जब संविधान लागू हुआ तो 15 परसेंट शेडुल कास्ट थे और सेवन एंड हाफ परसेंट ट्राइबल थे तो अभी इतने सालों में इनकी संख्या इतनी 2011 हज़ार के ग्यारह तक बढ़ गई है तो मेरा कहना ये है कि सभी जाति का सेंसस जाति के आधार पर होना चाहिए मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा में मांग किया था कि कौन सी जाति का कितना परसेंटेज है इसकी जानकारी लेने के लिए हर जाति का सेंसस हो કે વો બ્રાહ્મિન હો ક્ષત્રિય હો વૈશ હો શુદ્ર હો કોઈ ભી હો જેસર અભી અમારી સરકાર ની જે નિર્ણય લિયા કે 10% રિઝર્વેશન જો હોય એ સવર્ણો કો દેને કા નિર્ણય હુઆ ઓર ઉસમે જો એસસી એચઓબીસી મે જો કા સાથી નહીં હે એસે હર કાસ્ટ એસે ફેમિલી કો 10% રિઝર્વેશન શિક્ષા મે ઓર નોકરી મે દેને કા બહુત જ અચ્છા નિર્ણય હુઆ હે ઓર મે બાર બાર અકેલા માંગ કર રહા થા કે ભાઈ યે પાર્લામેન્ટ કો અધિકાર હે सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आरक्षण 50 परसेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था लेकिन मैं मांग कर रहा था कि पार्लियामेंट अगर कानून बनाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज देने का अधिकार नहीं है जिस समय पेट्रोल के दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे आपने कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास तो सरकारी गाड़ी है नहीं नहीं मुझे सवाल एक जयपुर में मैं था तो मैं कभी ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं करता हूँ लेकिन उसी दिन मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई पेट्रोल डीजल के अभाव बढ़ रहे हैं तो आपको क्या था तकलीफ़ है क्या तो मैंने सिंपली ऐसा बोला कि भाई मुझे तो तकलीफ़ नहीं है जनता को तकलीफ है लेकिन वो जनता को तकलीफ़ है ये उन्होंने छोड़ दिया और मुझे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मुझे जो सरकारी गाड़ी मिलती है पेट्रोल डीजल मेरा फ्री होता है तो ऐसा मैं सिंपली बोला था लेकिन उसका मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ अटवाले जी आप स्वयं इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन पूरे देश भर में आप दौरा कर रहे हैं कैसा आपको लगता है कि आने वाले समय में किस तरह के रिजल्ट आएंगे हाँ तो आज ये है कि भाई एक बाजू में मोदी और दूसरे बाजू में राहुल गांधी की खादी तो ये अकेले मोदी जी को विरोध करने के लिए सब लोग एक साथ आ गए हैं और हर बात का मोदी का विरोध करने का उन्होंने तय किया है राकेश जी लोकतंत्र में ऐसा होता है कि सत्ताधारी पार्टी और विरोधी पार्टी होती है और एक दूसरे को कोऑपरेट करते करते सरकार चलती है देश चलता है तो आजकल विरोधी दल मोदी जी के खिलाफ हर मुद्दे पर आवाज़ उठा रहा है और इसका आम आदमी तो देख रहा है कि भाई मोदी जी ने तो इतना काम किया है मुद्रा योजना से हमको लोन मिला आवास योजना से हमको घर मिला शौचालय मिला हमारा जनधन योजना में हमारा अकाउंट खुल गया कभी हम बैंक में नहीं जा जाते थे तैतीस करोड़ लोगों के अकाउंट खुले उज्ज्वला योजना से हमको गैस सिलेंडर फ्री में मिला तो इसी तरह के जो ग्रास रूट में बहुत सारे काम हैं ऐसे काम हुए तो इसीलिए आपने जो मुझे सवाल किया है कि भाई क्या माहौल क्या है तो माहौल ऐसा ही है कि बीजेपी कम से कम 250, 250 260 पचास के ऊपर जा सकती है तो मुझे लगता है कि माहौल ऐसा ही है कि एन की सरकार 100 परसेंट आएगी सीटें थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके जो अधूरे सपने हैं अधूरे सपने अधूरे काम जो है ये पूरा करने के लिए उनको और पाँच साल मिलना चाहिए आगे क्या होगा हमने देखेंगे लेकिन आने वाले जो पाँच साल है ये पाँच साल एन डी ए के पाँच साल गए नरेंद्र मोदी जी के पाँच साल हो गए और नरेंद्र मोदी जी दलितों के खिलाफ नहीं है नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका सा, सा, विकास की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के मेमोरियल इतने काम पूरे किए बारह एकड़ जमीन दादर में चैत्य भूमि के बाजू में बाबा साहब मेमोरियल मिली जिसकी कीमत कम से कम तीन हज़ार छः सौ करोड़ की है और वहाँ कम से कम अभी आठ सौ करोड़ का मेमोरियल अच्छा बन रहा है एक डेढ़ साल के अंदर वो मेमोरियल का काम पूरा हो जाएगा और वहाँ तीन सौ पचास फीट का स्टैचू अरबी समुद्र के पास वहाँ बाबा साहब का ऐसा जो उंगली है वो खड़ा करने वाला मतलब ऐसा स्टैचू 350 फीट का है जिसकी हाइट स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा है तो इसी तरह से बहुत सारे काम हो रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है चल रहा है इसमें मोदी जी को सफलता मिलेगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छे हमारे प्रश्नों के जवाब भी दिए दोस्तों हम रामदास अठवाले जी की एक बात के लिए ज़रूर तारीफ करेंगे आज के समय में जबकि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी एलाइंस से इसलिए बाहर हो जाते क्योंकि उनकी टिकट नहीं मिलती उन्हें सीट नहीं मिलती ऐसे में रामदास अठवाले जी फिर भी एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं नाराजगी होते हुए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि ये राष्ट्र हित में जुड़े हैं और इन्हें लगता है कि देश का भला नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है वो दोबारा आनी चाहिए इसलिए नाराज होते हुए भी वे एनडीए के पार्ट बने हुए हैं आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक थैंक यू यू राकेश प्लस माइनस में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी नमस्कार अब समय है इस हफ्ते के क्विज कॉन्टेस्ट का इस बार का सवाल है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था और संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है पंद्रह दिनों में दीजिए इस सवाल का जवाब आप हमें एसएमएस कर सकते हैं सेवन एट टू सेवन जीरो थ्री एट सिक्स सेवन फाइव पर या फिर अपने जवाब भेजें हमारी ईमेल आईडी डी इन्फो एट साधना डॉट कॉम पर पच्चीस लखी विजेताओं को एक साल के लिए हम देंगे साधना पथ मासिक पत्रिका की एक साल की सदस्यता फ्री